हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PraescioEdu होमस्कूलिंग। PraescioEdu होमस्कूलिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ के स्कॉलरशिप एग्जाम का मैथ सीए सब्जेक्ट, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कैसे इसमें रेट हमें दिया जाता है, कैसे हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो, ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और हाँ दोस्तों, भूलना नहीं मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी हमारे दोस्त हैं जो स्टैंडर्ड फिफ्थ के स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठे हैं, उन सभी दोस्तों को हमारे इस वीडियो का फायदा हो सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, प्रिंसिपल, द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक और द मनी लेंड बाय अ बैंक टू अ बोरोवर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। मतलब जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है या फिर जो पैसा बैंक कर्जदार को देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कर्जदार। मतलब जो लोन लेता है उसे कर्जदार कहते हैं। तो जो भी कर्जदार होता है या जो अमाउंट होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। रेट बाद में होता है, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम इज रिटन एज, रेट कैसे लिखा जाता है, PCPA, मतलब परसेंट पर एनम इज, इट गिव्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू एवरी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू ड्यू ऑन एवरी 100 rupees फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। मतलब जो भी इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट ड्यू होती है उसके 100 rupees से हमें वो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, और वो भी 1 year के हिसाब से होता है। दोस्तों, पीरियड है ड्यूरेशन फॉर विच प्रिंसिपल अमाउंट इज अमाउंट इज टू बी यूज इज कॉल्ड पीरियड। मतलब जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जो कर बैंक से हमने ली थी, वो हम कितने साल तक हम उसे यूज करने वाले हैं, तो उसे कहते हैं पीरियड। बाद में है सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर बोरोइंग लोन फ्रॉम बैंक। मतलब जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं, वी हैव टू पे एडिशनल अमाउंट रादर देन बोरोइंग अमाउंट। मतलब हमें एडिशनल अमाउंट पे करनी होती है जो कि बोरोइंग अमाउंट से एडिशनल होती है, और एन एडिशनल अमाउंट गिवन बाय बैंक अगेंस्ट अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर सर्टन ड्यूरेशन। ये हुआ कर्जदार का, अगर हम डिपॉजिट भी रखते हैं तभी हमें बैंक से कुछ एडिशनल अमाउंट मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। दिस एडिशनल अमाउंट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। अभी मैं बताती हूँ आपको कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से देखना क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन 100। अभी यहाँ पे पी आर एन ये क्या है आपको मैं बताती हूँ। पी मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। बाद में है आर मतलब रेट, और एन मतलब क्या है, पीरियड, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या आएगा, आई, इंटरेस्ट का क्या होता है, आई। तो ये फॉर्मूला हमेशा हमें याद रखना है, वो क्या है दोस्तों, कि आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन
अपॉन 100, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मैं ये टॉपिक समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक के ऊपर पूछे जा सकते हैं और कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एट अ रेट परसेंट पर एनम, PCPA मतलब परसेंट पर एनम 10, क्या है 10 है, what would be ठीक है, what would be the interest, what would be the interest for 1 year, यहाँ पे पीरियड भी हमें बताया है, on rupees 2000। देखा दोस्तों आपने कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। यहाँ पे हमें परसेंट भी दिया हुआ है, पीरियड भी दिया हुआ है और प्रिंसिपल अमाउंट भी दी गई है। तो इसका मतलब हमें बहुत ही आसानी से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, आई पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन 100 बराबर है। अभी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारी 2000 बराबर है, रेट क्या है 10 और पीरियड कितना है 1 अपॉन 100। समझ में आ गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए 200 बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 2000 के ऊपर 10% से 1 ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट होगा 200 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों आपके। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल होते हैं, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, बस अपना फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है और फॉर्मूले को पकड़ के हमें इस ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे सिर्फ पी लिखती हूँ, पी है 400, पीरियड, पीरियड क्या है यहाँ पे, पीरियड हमें दिया है 5, रेट है PCPA मतलब परसेंट पर एनम 6 इज इक्वल टू हाउ मच, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना होगा। तो हमें वो ही फॉर्मूला यूज करते हुए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन 100 बराबर है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 400 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 6 और पीरियड कितना है 5 अपॉन 100, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया बराबर है। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, कितना होता है दोस्तों, वो होगा 120 बराबर है, बराबर आ गया ना। इसका मतलब यहां पे कितना हो गया है सिंपल इंटरेस्ट 120। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सिंपल है दोस्तों, क्या है यहाँ पे, मैं सिर्फ यहाँ की वैल्यूज रब करती हूँ। प्रिंसिपल हमें दिया है 15,000 ठीक है, पीरियड हमें दिया है 4 और रेट पर परसेंट पर एनम कितना है 8 बराबर है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसे
सॉल्व करना है वही हमारा फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन 100. इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 15,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 8 मल्टीप्लाई बाय पीरियड 4 बराबर है अपॉन 100. ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया. तो अभी इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 4,800. तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो वो है 4,800. देखा दोस्तों, अपने बहुत ही आसान सवाल होते हैं. यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता है, बस अपना फॉर्मूला डाल के हमें ये सॉल्व करने होते हैं. तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रब कर रही हूँ, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट है 4,000, ठीक है. पीरियड हमें क्या दिया है 5, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, हमें रेट नहीं दिया है दोस्तों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट. देखो दोस्तों, ऐसे भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सिंपल इंटरेस्ट है 600, तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. चलो हम अभी कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला सेम है, हमें फॉर्मूला में चेंज नहीं है. आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन 100 बराबर है. सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 600 बराबर है. प्रिंसिपल अमाउंट है 4,000. रेट हमें दिया नहीं है इसलिए हम इसे आर लिखेंगे. पीरियड हमें क्या दिया है 5 अपॉन 100 बराबर है. ये जीरो गया, ये जीरो गया, जीरो जीरो कट हुआ. 600 40 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर है. इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि 40 मल्टीप्लाई बाय 5 होते हैं यहाँ पे 200 बराबर है, और यहाँ पे है 600. अभी ये 600 में मुझे रेट निकालना है, इसका मतलब मैं 600 डिवाइडेड बाय 200 करूंगी तो यहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कि है 3. 3 क्या है? 3 पी परसेंट पर एनम. समझ में आ गया दोस्तों आपके? देखा आपने कि कभी कभी हमें सिंपल इंटरेस्ट भी दिए जाते हैं और उसके हिसाब से हमें रेट निकालना होता है, या फिर कुछ जो भी पूछा जाता है, कभी पीरियड होगा या कभी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, तो आपको इस तरह से उसे सॉल्व करना चाहिए. तो दोस्तों ये थे एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए. अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करना और बताना कि आपको सॉल्विंग पर्पस के लिए कुछ क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चंस दे सकती हूँ. तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे. थैंक यू.